बिहार में एक बार फिर से कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार 6 सितंबर तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया। इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर IITG और नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने IITG और नीट परीक्षा को आयोजित करने को हरी झंडी दे दी है। कश्मीर में 4 दिन में दूसरा हमला। बारामूला में आतंकियों की फायरिंग में 3 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी मार गिराए। गोली लगने से जख्मी हुए जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्हें दम तोड़ दिया। आतंकियों की AK-47 और 2 पिस्टल बरामद हुई है। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास को मिली धमकी, दिल्ली पुलिस को दी शिकायत। आंखी दास के मुताबिक फेसबुक और ट्विटर पर कुछ लोग उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और इसी के साथ ही उन पर भद्दी और अश्लील कमेंट भी कर रहे हैं। सुदीक्षा भाटी की मौत का सच 7वें दिन सामने आ गया है। पुलिस ने सिकंदराबाद से लेकर औरंगाबाद तक के रास्ते में लगे कैमरों की फुटेज को खंगाला। करीब 10,719 रजिस्टर्ड बुलेट मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी जुटाई गई। इसके अलावा 1,000 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, तब जाकर मौत का सच हर किसी के सामने आया। पुलिस को इस केस को सुलझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हेट स्पीच विवाद पर फेसबुक की सफाई, पार्टी और नेता नहीं दिखते। हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पर रोक, अंकित कुमार। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि हम ऐसे भाषण और कंटेंट पर रोक लगाते हैं जो हिंसा भड़काता है। निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रक्रिया का नियमित ऑडिट करते हैं। चीन ने भी वैक्सीन को लेकर एक खुशखबरी दी है। यहां के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक की कोरोना वैक्सीन AD5-nCoV को पेटेंट मिल गया है। ये जानकारी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। कई महीनों की संवादहीनता और तल्खी के बीच आज यानी सोमवार को भारत और नेपाल के बीच अहम बैठक होने जा रही है। संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दोनों देशों के उच्च अधिकारी नेपाल में भारत स्पॉन्सर्ड परियोजनाओं को लेकर 17 अगस्त को समीक्षा बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में हैवानियत की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। लखीमपुर खीरी में नाबालिग के साथ दरिंदगी के बाद अब गोरखपुर में दिल दहला देने वाला वारदात सामने आई है। लखीमपुर के बाद गोरखपुर में किशोरी से रेप, सिगरेट से दागा शरीर, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। कांग्रेस से निलंबित किए संजय झा ने ट्वीट कर एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि लगभग 100 कांग्रेस नेता पार्टी के आंतरिक मामलों से व्यथित हैं।